अहली के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से रजू कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दो रुकनी बेंच मंगल को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। एहसन आबिद ने मखदूम बरादरान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से रजू किया है। खुसरो बख्तियार ने NA 171 रहीम यार खान से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया। मजीद कहा कि हाशिम जवान बख्त ने PP 259 रहीम यार खान से इंतखाब में कामयाबी हासिल की। दोनों भाइयों ने आमदन से जायद असासे बनाए और उन्हें जाहिर नहीं किया। खुसरो बख्तियार विफाकी वजीर और उनके भाई मखदूम हाशिम जवान बख्त सूबाई वजीर हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया। नैब मुल्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी है। नैब की जानिब से कार्रवाई ना करने पर लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया है। अदालत ने नैब को कानून के मुताबिक ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त का 3 माह में फैसला करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि नैब मुल्तान ने इंक्वायरी अब मजीद कार्रवाई के लिए नैब लाहौर को भिजवा दी है। इंक्वायरी की पेशरफ बारे आगाह नहीं किया जा रहा। दोनों भाइयों के असासे 100 अरब से जायद हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान बख्त सादिक और अमीन रही नहीं, जबकि अदालत मखदूम बरादरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने और नाम ECL में शामिल करने का हुक्म भी थे। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान बख्त को आइन के Article 63 के तहत नाअहल करार देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तेदा की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान बख्त नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से रजू कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दो रुकनी बेंच मंगल को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा।